आज हम देखिए आपको ये वाला फ्लावर बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आप इस तरह की पत्ती बना लीजिए, ये देखिए, और ये इस जगह से आप उसको स्टार्ट करेंगे। ये बटन होल स्टिच की हेल्प से हम फ्लावर बना रहे हैं, देखिए। फिर इसके बाद ये इस तरह का ये राउंड बनेगा, देखिए आप, ये सेंटर से आउटलाइन की तरफ, देखिए इस आउटलाइन की तरफ आप इस तरह से लेंगे, धागा इसके नीचे से निकालेंगे और फिर खींचेंगे। इसके बाद फिर आगे फिर यही आप करेंगे, वापस एंड तक आपको यही करना है। ये देखिए आप, ये सेंटर वाली जो लाइन है इसके साथ साथ चलेंगे, ये इसमें आपने डाला है, और ये बाहर वाली जो आउटलाइन है, ये देखिए, ये बाहर वाली जो आउटलाइन है इस पर आप निकालेंगे, और ये धागा उसके पीछे है, इसके पीछे से। ऐसा करते हुए हमें पूरा ठेट तक यहाँ तक ऐसे ही करना है। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं, अब आप देखिए इस जगह आके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ किस तरह से किया जाए, तो ये आप देख लीजिए। देखिए आप यहाँ पर इसी जगह से निकालते जाएंगे करते जाएंगे। देखिए आप इसी पॉइंट से निकल रहे हैं बार 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 बार, यहीं से निकाल रहे हैं आप, जब तक कि मोड़ खत्म नहीं हो जाता, आप यहीं से एक ही पॉइंट से निकालते रहेंगे। देखिए इसके बाद जहां ये मोड़ आप मुड़ गए हैं, इसके बाद आप फिर थोड़ा सा दूरी से लेने लगे हैं, छेद बदल दें, नहीं तो एक छेद से ज़्यादा देर तक निकालने पर हो सकता है कि आपका कपड़ा कट ही जाए। देखिए अब आप छेद बदल दिया आपने, अब आप नीचे आते जाइए। ये देखिए सेम उस लाइन पे मत चलिए, उस लाइन से हल्का सा आप हट के इस तरफ लेते जाइए। उसी लाइन के ऊपर मत लीजिए, उस पर बहुत छेद हो जाएंगे तो आपका कपड़ा कट जाएगा। ऐसे करते करते आप यहां तक नीचे तक आ जाएंगे। देखिए अब आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं। देखिए ये बिल्कुल एंड में आके आप इसे ख़त्म किस तरह करेंगे, ये देख लीजिए आप। देखिए आप ये बाहर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ से ऐसे करके सकते। तो ये हमारा फूल कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पीस के बीच की जगह को फिल करेंगे, तो उसे भी हम बटन होल स्टिच का ही एक वेरिएशन है उससे कंप्लीट करेंगे इसको। तो देखिए ये हमने सेंटर से निकाला है, और अब हम ये देखिए बटन होल स्टिच की हेल्प से ही गोला सा बनाने लगेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए
चार बार हमें सेंटर के पॉइंट पे आना है और फिर आउटलाइन पे जाना है। ये देखिए गोला एक सेंटर का ही रहेगा, बार बार हमें उसी बीच के गोले में ही डालना है। देख सकते हैं कि हमने ये बीच का गोला भी कंप्लीट कर दिया है और हमारा ये फ्लावर अपन के तैयार हो चुका है।